नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विलास और स्वामी जी इस मनी मार्केट में मेरा आप सभी का स्वागत है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे शेयर्स आप लोगों के लिए मैं खोद खोद कर निकाल सकूं। दोस्तों मैं टाटा केमिकल्स की बात कर रहा हूं, टाटा कंपनी के बारे में ज़्यादातर बात करते रहता हूं क्योंकि टाटा कंपनी हर सेक्टर में है, हर चीज़ में है और हर सेक्टर में कंपनी ने कहीं ना हर सेक्टर में कंपनी ने छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, 100, 200, 300 ना जाने कितने रन बना लिए हैं। तो हर सेक्टर इस टाटा कंपनी का बहुत ही बेटर है। इसी में एक सेक्टर है टाटा केमिकल्स का। टाटा केमिकल्स क्या है? बैटरीज है, लिथियम बैटरीज है। जैसे आप मान के चलिए कि फ्यूचर में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलने वाले हैं, जो हाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो ईवी जो सेक्टर आने वाला है ना, उसके लिए ये सेक्टर बहुत काम का है। जी हाँ दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ईवी का सेक्टर का जब बूम होगा ना, तो ये जो टाटा केमिकल्स है या फिर दूसरे केमिकल सेक्टर्स है ना, ये एकदम से भागने लगेंगे दोस्तों। आप पकड़ नहीं पाओगे, इतने स्पीड में भागेंगे, मिल्खा सिंह बन जाएंगे सबके सब। मगर जो अच्छी कंपनीज होगी ना, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसमें। जी हाँ, जो अच्छी कंपनीज होगी, सीरियसली जो अच्छी कंपनीज होगी, हम भी यही कहते हैं कि भैया जो अच्छी कंपनी होगी हम उसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि इसी में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको पता है कि ये कंपनीज भागेगी, डूबेगी नहीं। इन कंपनीज को गवर्नमेंट्स भी ऑर्डर देती है, इसीलिए इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से हमें फ़ायदा मिलता है, भले ही कम मिले मगर गारंटेड मिलता है। तो ये टाटा केमिकल्स का सेक्टर मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। टाटा केमिकल सेक्टर में आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाला जो समय है, ईवी का जो समय है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो समय है, उन सब में जो लिथियम बैटरीज लगेंगी, केमिकल्स लगेंगे, जो जितनी सारी चीज़ें लगेंगी ना दोस्तों, वो यहाँ से निकलेगी। जी हाँ, इसका फायदा सीधा टाटा मोटर्स को भी होगा। टाटा मोटर्स के भी शेयर आपको छोड़ने नहीं है, पर मैं अभी आपको केमिकल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो केमिकल्स के बारे में सुन लीजिए दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग स्क्रीनर पर आ चुके हैं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट प्लांट्स अक्रॉस ऑफ कंटेंट अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, बहुत जगह इसके प्लांट्स है। इन्हें वर्ल्ड वाइड कंपनी है ये, और बहुत सारी चीज़ें बनाती है। दे आर सॉल्ट वर्क्स स्पेरेड अवर 3600 एकर्स में इनके प्लांट्स फैले हुए हैं। तो लार्जेस्ट इन एशिया, एशिया में सबसे बड़ी कंपनी की जो जगह होगी ना, वो टाटा की है। जी हाँ दोस्तों, हमारे टाटा की कंपनी है वो, जो हमारे इंडिया के है वो। तो यहाँ पे देखिए, अभी प्रोडक्ट सोडा एश यूजिंग सिंथेटिक एंड नेचुरल माइनिंग प्रोसेस ऑफ दिस 3/4 कैपेसिटी कंसिडर ऑफ नेचुरल सोडा अलाउिंग अस सिग्निफिकेशन कॉस्ट। यानी यहाँ पे जो केमिकल सेक्टर है, ये इसके बारे में बता रहे हैं। ये सेक्टर जो है ना दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में आपको भागता हुआ नजर आएगा। 14,785 करोड़ का मार्केट कैपिटल है दोस्तों इसका। करंट प्राइस जो है 580 रुपये चल रहा है, 595 रुपये ये आखिरी तक जा चुका है और 197 ये नीचे तक जा चुका है। स्टॉक पीई दोस्तों देख सकते हैं 21 है। बुक वैल्यू हुई दोस्तों इसकी 514 रुपये बुक वैल्यू है। डिविडेंड ये कंपनी देती है, आरओसी आरओई भी शानदार है और फेस वैल्यू दोस्तों इसकी है 10 रुपये। अब टाटा की कंपनी तो दोस्तों देखने की कोई तो बात ही नहीं बनती। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 मार्च में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी, 250 रुपये से शेयर नीचे गिर गया था, 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और फिर अचानक इस शेयर में बूम आ गया और अभी ये शेयर 500-550 को टच कर चुका है। यानी कितने जल्दी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल गई, सिर्फ 6 महीने में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी 6 महीने साल भर में यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल गई। तो कंपनी के कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है, मेरे को लगता नहीं कि ये निगेटिव पॉइंट्स जो है वो कंपनी को कुछ प्रॉब्लम दे पाएंगे। कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, देखिए 6 नंबर पे आ रही है कंपैरिजन के इसमें। बाकी कैस्ट्रॉल इंडिया है नीचे में, गोदरेज इंडस्ट्रीज है और बड़ी बड़ी कंपनीज है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज तो वैसे भी आपको पता है बहुत महंगी कंपनी है, 1765 रुपये का शेयर है और पीडीलाइट को कौन नहीं पहचानता भैया, सबसे ज़्यादा फेविकॉल इसका चलता है। तो आप इसका चार्ट देख सकते हैं टाटा केमिकल्स का, टाटा केमिकल्स का सेक्टर में आप इसका चार्ट देख सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार चार्ट है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो बना के बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास जो है वो इसकी 37.98% की होल्डिंग्स है और गवर्नमेंट के पास भी इसकी 0.03% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 25.8% की होल्डिंग है, जो कि कंपनी ने बीच में मतलब कंपनी के पास कम होल्डिंग्स थी, 2018 की पास 21.50 थी, फिर कंपनी की होल्डिंग बढ़ी और फिर कम हो गई और फिर अभी वापस 25 रुपये हो गई है।
तो यानी पब्लिक की होल्डिंग्स बढ़ती जा रही है और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बढ़ती जा रही है। 2018 में 30 रुपये के आसपास थी, 30% के आसपास थी सॉरी, और 2020 में जो आप देख सकते हैं 37.98% के आसपास है, यानी कि आप 38% ही पकड़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक स्पेशलिटी है टाटा केमिकल्स के बारे में। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के लिए मैं आपको यहाँ पता या शेयर्स बता रहा हूँ जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी ज्यादा है। एक बार मनी कंट्रोल में जाकर चेक कर लेते हैं हम लोग। मनी कंट्रोल यूजर्स की भी जानकारी ले लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमको कंपैरिजन के बारे में चेक देख सकते हैं। वेरी बुलिश शेयर है ये तो आप पता ही है। कंपनी का रिटर्न भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक भी माइनस नहीं है। 3 साल में 88 पॉइंट दिया है रिटर्न, 88% के ऊपर रिटर्न दिया है इसने। कंपनी में काफ़ी शानदार ग्रोथ है और 86% का कहना है कि बाय कीजिए और 14% का कहना है होल्ड कीजिए, यानी 100% का कहना है कि आपको इसको खरीदना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, आप मान के चल सकते हैं। यानी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी यहाँ पे टाटा केमिकल्स के नाम के केमिकल के नाम्स के ऊपर आपको मिल रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत ही शानदार कंपनी, बहुत ही दमदार कंपनी है। इसीलिए कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द ऐसे अच्छे से अच्छे शेयर्स लंबे अवधि के लिए, शॉर्ट अवधि के लिए आपको मैं बताते रहूँ।